संडे स्टफ स्टार्ट करने से पहले a huge shout out to amxlabs.in. AMX Labs has recently sent me a couple of accessories including a wireless charger as well as a 45 watts fast charger, and I've been using that for the past 2 or 3 days. Results are very good and the quality is extremely good. In case you want to purchase any accessories from AMX India, they have a lot of stuff going on there, audio, USB cables and power cables and adapters and whatnot. If you want to purchase anything from their website, you can feel free to check out amxindia.in, and in case you want a discount, especially for the Stuff Listings Army, I have a promo code available for all of you. Go to amxlabs.in, click on any product, add to the cart and apply the coupon code STUFFLISTINGS to avail a simple straight up 20% discount. Hey guys, this is Mukul Sharma aka Stuff Listings. And this is Aditya from Stuff Listings. Welcome to 2019's last episode of Sunday Stuff. और यहाँ पर आप सबने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अब की बार भी ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे। लास्ट टाइम हमने आई थिंक 25 प्लस कुछ क्वेश्चंस का आंसर करा था। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि अग्रवाल जी टेक्निकल ने पूछा है। उन्होंने पूछा व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी एवरीवेयर। क्या बात कर रहे हो अग्रवाल जी, आपको कहाँ इग्नोर कर रहे हैं, आपके तो हर क्वेश्चन का आंसर दिया है मैंने। आपने पिछले 2-3 बार से क्वेश्चन पूछा और हर संडे स्टफ में आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। सो स्टिल अगर आपको लगा कि मैंने कहीं आपको इग्नोर किया, आप एक बार फिर से वहां पे मेरे को पिंक करो एंड डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुकुंद, ही इज आस्किंग शेयर योर एक्सपीरियंस यू गॉट इन 2019 and what are your plans for upcoming 2020 vision. By the way, all the best and support for 2020. First of all, once again, thanks Mukund. 2019 has been a very good year and Twitter हमने 2019 में ही मतलब main start किया था and अच्छी खासी एक success rate तो देखने को मिली है and leaks भी बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे leaks, almost सारे leaks ही हमारे legit गए हैं and yes, company started approaching us in 2019. Realme X जब मेरे को याद है, हम उसका जो इनवाइट पास होता है वो परचेज करने की सोच रहे थे एंड वो खत्म हो चुका था वहाँ पे एंड वी कुड नॉट गो देयर, बट उसका अगला जो स्मार्टफोन आया था इंडिया में Realme XT जब लॉन्च हुआ था, सो वी वर इन्वाइटेड देयर एज मीडिया. सो ऑफकोर्स व्हेन इट कम्स टू द ईयर 2019 हमने एक बहुत अच्छा ईयर देखा एंड बहुत हार्डवर्क भी किया फॉर दैट मैटर एंड वी विल डेफिनेटली कीप ऑन डूइंग दैट इन द फ्यूचर एज वेल. 2020 में गोल्स ज़्यादा बड़े नहीं है, पिछली बार भी शायद बताया था. पर्सनल हैंडल्स जो हमारे हैं ट्विटर पे एटलीस्ट 50K का मैं एक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ एंड 25K ऑन यूट्यूब, नॉट मच आ जाएगा. पर्सनल जो हैंडल है उसके लिए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10K के आसपास आ जाए अगर, तो दैट इज ऑल द यू नो प्लान एंड गोल फॉर अस फॉर 2020. लीक्स बहुत सारे आपके पास आने वाले हैं एंड कुछ एक्सक्लूसिव भी आ चुके हैं, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा एम्बार्गो के चक्कर में आपको बता नहीं पा रहा. देखते हैं 2020 स्टार्ट होने के बाद मैं आपको क्या क्या लीक्स प्रोवाइड कर सकता हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम की तरफ से, उन्होंने पूछा है हाउ इज डोमिनो नाउ. This is the last Sunday Stuff of 2019. So happy New Year in advance. And by the way, what's your resolution of 2020? First of all, Shivam, आप मेरे ख्याल से सबसे starting से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं and thanks a lot for the wishes and happy New Year to you and your family as well. To the entire Stuff Listings army for that matter, happy New Year in advance. Domino's better now. पिछले 2 दिन से हम हॉस्पिटल में ही हैं, इसी चक्कर में आपको बहुत सारे लोगों को ट्वीट का रिस्पॉन्स भी नहीं मिल पाया, बट अब ठीक है, he's doing better now. Thanks a lot for the wishes. As far as 2020 is concerned, ऐसे अभी पिछले आंसर में मैंने यही कहा, that's all we wish for and support आप बनाए रखिए एंड बस यही सब चल रहा है. लीक्स वगैरह आते रहेंगे. YouTube थोड़ा हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा बेटर हो जाए, बिकॉज उससे कंपनीज हमें रिव्यू यूनिट्स जल्दी भेजेंगी, हमें आपको एक्चुअली एक यू नो अनबायस्ड फीडबैक या रिव्यू जो मैं करता हूँ अभी तक करता आ रहा हूँ वो आपको जल्दी मिल पाएगा. अभी क्या होता है ना, कोई भी फ़ोन लॉन्च होने के हफ्ते बाद अगर मेरे पास कोई फ़ोन आता है तब तक उस चीज़ की सेंस नहीं रह पाती, बिकॉज एक बायस या एक ओपिनियन ऑलरेडी जनरेट हो चुकी होती है. सो इसीलिए यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइबर्स की जरूरत होगी, सो दैट वी प्रोवाइड यू विद अनबायस्ड न्यूज़ एज वी ऑलवेज डू. और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप पाटिल की तरफ से, मैं एकदम चमत्कार हो गया कि उन्होंने पहली बार POCO F2 को छोड़कर कोई और क्वेश्चन पूछा. उन्होंने पूछा है क्या Redmi K30 Pro में कर्व स्क्रीन हो सकती है, या फिर रील में कोई ऐसी कोई अपकमिंग स्मार्टफोन जिसमें कर्व स्क्रीन मिलेगी. Redmi K30 Pro में तो मुश्किल है इसके चांसेस कर्व डिस्प्ले के आने के, बिकॉज जैसा हमें Redmi K30 मिला है डिज़ाइन के हिसाब से, मेरे हिसाब से वही देखने को मिलेगा. Mi 10 स्मार्टफोन में हो सकता है हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाए. Realme की बात करें तो Realme X50 का लग रहा था कि भाई उसमें कर्व डिस्प्ले होगी, बट वो भी IPS LCD पे ही रन कर रहे हैं. अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है चाइनीज़ कंपनीज़ का एंड 5G को लेके वो अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं. जब 4G स्मार्टफोन्स आए थे तो एक साथ प्राइस हाइक बहुत हो गया था एंड दे डोंट वांट दैट टू हैपन दिस टाइम अराउंड. सो 5G को वो 30,000 से अंडर रखना चाहते हैं, उसमें कर्व डिस्प्लेस वगैरह लाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. सो दैट्स वाई आप Realme और Redmi से अभी ना ही एक्सपेक्ट कीजिए कर्व डिस्प्लेस, तो अच्छा रहेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलशन कुमार की तरफ से, उन्होंने पूछा है वाई इंडिया एंड चाइना मोबाइल लॉन्च इज सो लेट, इफ प्राइस इज द मैटर देन वाई अपडेट इज also so late like ColorOS, MIUI 11 and Android 10 also. Okay. गुलशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है, आजकल तो थोड़ा डिफरेंसेस कम हो गए हैं रियलमी के स्मार्टफोन, रियलमी बड्स ये जो ये मेरे पास पड़े हुए हैं ये इंडिया में पहले लॉन्च हुए, अब चाइना में गए हैं एंड बट अब होम नेटिव कंट्री है उनकी चाइना, तो पहले वहाँ पे स्मार्टफोन लॉन्च होना नेचुरल है। अगर आप इंडिया की बात करो, अब जम्मू कश्मीर से हूँ वहाँ की बात करता हूँ, सेब जम्मू कश्मीर में उगते हैं तो जम्मू में ही पहले लॉन्च होंगे ना, उसके बाद जाके वो केरला वगैरह नीचे पहुँचेंगे एंड सिमिलरली अगर फॉरेन में जाने होंगे तो वो टाइम लगेगा। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एप्पल्स टू ग्रो इन पंजाब फर्स्ट एंड देन यू नो वी एक्सपोर्ट दैट टू जम्मू। सिमिलरली जब चीज़ जहाँ बनती है वहाँ पे पहले ही लॉन्च होगी भाई, उसके बाद ही दूसरी कंट्रीज में आएगी। सो बट स्टिल कंपनीज आर ट्राइंग कि भाई इंडिया में जल्दी लॉन्च हो जाए बिकॉज इंडिया इज अ हॉटस्पॉट फॉर दैट सेल्स एंड ऑल दैट। जहाँ तक अपडेट्स की बात है, अपडेट्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज टेक देयर टाइम बिकॉज अगर आपने अभी ColorOS की बात करें तो बहुत सारे लोग मेरे को रोज कमेंट करके बताते हैं कि इस फोन में ये अच्छा नहीं है, ये बग है, ये वो है। सो कंपनीज ट्राई करती हैं कि बग्स को पहले जितना फिक्स कर सकते हैं वो करके एक स्टेबल हमें बिल्ड प्रोवाइड करें, उसी के लिए हमें बीटा बिल्ड्स वगैरह कंपनी पहले दे देती है एक डिस्क्लेमर लगा के, भाई इसमें बग्स वगैरह होंगे, आप यूज़ करोगे, अगर आपको बग्स निकलेंगे तो आप हमें रिपोर्ट कीजिए, बट हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि बग्स होने वाले हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बगी बीटा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिले, या फिर आप वेट कर लो कि एक आपके पास स्टेबल बिल्ड आए। सो डेवलपर्स को भी टाइम लगता है एडजस्ट करने का, स्क्रीन साइजेस है, रेजोल्यूशंस हैं, DPI है, अलग अलग हार्डवेयर है, 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को यूटिलाइज करना है कि नहीं करना, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स को यूटिलाइज करने के बाद ही एक स्टेबल बिल्ड निकल के आती है। Of course, it sucks to wait for the updates, but can't help it here. Next question है प्राण का, उन्होंने पूछा है how many DMs you receive per day and how many DMs on POCO F2? Around 200 I guess. Count तो नहीं कर पाते because वो क्या बोलते हैं स्क्रॉल करने में, ट्विटर का जो इनबॉक्स है वो फीचर थोड़ा अजीब सा है, सो काउंट तो कभी नहीं किया ऐसे। बट जितने मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ आंसर्स को, आज तक मैंने किसी को ऐसा हुआ नहीं कि छोड़ दिया हो। सो अराउंड 200 के आसपास आप एक्सपेक्ट करते हो, 200 से ऊपर ही आते हैं रोज के। मैं सिंगल मैसेज कह रहा हूँ, अगर उसका फॉलोअप, अगर मैंने किसी ने पूछा कि भाई पोको F2 आ रहा है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ आ सकता है, और तीसरा जब आगे से उसके बंदे का रिप्लाई आएगा उसको काउंट नहीं करो अगर आप, तो 200 अलग अलग इंडिविजुअल्स के मैसेज तो आ ही जाते हैं। पोको F2 की बात की जाए तो 300 के आसपास। अरदास लगा लो, क्वेश्चन लगा लो। गौरव अग्रवाल की तरफ से उन्होंने भैया सिंगल लोंडो के लिए कल की वीडियो में शाउट आउट दे देना। So to all the single londas out there, a huge shout out to all of you. Please follow कीजिए इन लोगों को बहुत ज़रूरत है followers की, because relationship में नहीं है अभी तक, but क्यों हो single मेरे को वो समझ नहीं आ रही है। Get into a relationship, enjoy life like I am doing. So yeah, still a huge shout out to all of you. तो ये single londo का एक और question आगे आ रहा है कि गुलरेज की तरफ से, उन्होंने एक क्वेश्चन, उन्होंने तीन क्वेश्चन बोले हैं। पहले तो उनको चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M30s, वो तो अजय के पास है। अजय आप ले लो प्लीज, आप दो, वो पड़ा हुआ सामने पड़ा हुआ। अजय दे दे यार, क्या कर रहा है। M30s वैसे भी आप पसंद नहीं आ रहा खास। तो नहीं, फिर उन्होंने बोला कि कोई भी स्मार्टफोन भेज दो, कोई भी चलेगा। चलो ठीक है अजय, आप उन्होंने नंबर भी दिया, ईमेल आईडी भी दी है। वाह यार गुलरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड्रेस दिस थिंग। यस, आपने मेरे से भी मेरा नंबर मांगा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती अपना फोन नंबर शेयर करने में, बहुत सारे लोग कॉल वगैरह करते रहते हैं, चलेगा, मेरा नंबर पब्लिक है फॉर दैट मैटर। बट स्टिल इट्स नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज आपकी प्रोफाइल पिक्चर देख के लग रहा है आप छोटे हैं अभी एज में। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इट्स नॉट सिक्योर। आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप सीधा टाइमलाइन पे पोस्ट कर रहे हैं। आप मेरे को डीएम कीजिए, यहाँ पे भी लिखोगे कोई इशू नहीं है मेरे को, बट पर्सनली मेरी सजेशन आपको ये रहेगी, ऐसा मत कीजिए, आपके नंबर को मिसयूज किया जा सकता है। और ऑडियंस में एक रिक्वेस्ट, अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड है तो गुलरेज को दे दो भाई, इनको एक गर्लफ्रेंड चाहिए। उन्होंने बोला कि भाई मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। अब इस चीज के लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता आप लोगों से, ऐसा पता नहीं, अगर किसी को मन है तो प्लीज हेल्प हिम आउट। बट स्टिल गुलरेज, अभी मैंने कहा कि आप लग रहे हो छोटे बच्चे हो, बट नहीं, अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो दैट सर्टनली मीन्स आप एलिजिबल, मैरिजेबल या रिलेशनशिप वाली एज में आ चुके हो। ट्विटर पे नहीं मिल पाई, ट्रस्ट मी, मैं बहुत साल से हूँ ट्विटर पे। यू कैन नॉट फाइंड अ गर्लफ्रेंड हियर ऑन ट्विटर। चलो ठीक है, एक स्पॉन्सर्ड वो लगा देते हैं, हागो ऐप करके है, बहुत यूट्यूब पे एड्स आते हैं उसके, ट्राई दैट, प्ले गेम्स एंड मे बी यू विल गेट अ डेट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीर अरविंदर सिंह की तरफ से, उन्होंने पूछा टेल अस अबाउट योर होल डे शेड्यूल, आई वांट टू गेट मोटिवेटेड। ओके ठीक है अरविंदर, सबसे पहले आई वेक अप एट 6 o'clock एंड 6 बजे से लेके 8-9 बजे के आसपास, बिकॉज चाइनाज जो ट्वीट्स वगैरह होते हैं, चाइना वगैरह से आते हैं, वो उस टाइम पे आते हैं। सो आई कलेक्ट ऑल द लीक्स एंड ऑल दैट, उसके बाद कुछ वेबसाइट्स के लिए जिनकी मैं लिखता हूँ आई राइट फॉर देम, उसके बाद आई मेक टी एंड उसके बाद एकदम से मैं मैसेज कर देता हूँ अजय को कि भी ओके लेट स्टार्ट वीडियोस फॉर दैट मैटर। आज मैं अभी आया था, सोया पड़ा हुआ था, सो आके वीडियो शूट होती हैं। टेक्स्ट अब आज की 2 जाती हैं, तो 2 बार ही इसके घर पे आना पड़ता है। ये दिस इज हीज ओन फ्लैट PG whatever you want to call it। उसके बाद वापस जाके यू नो ट्वीट करने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज वगैरह देता हूँ मैं, फिर लिखता हूँ। उसके बाद अगेन 1 more टेक्स्ट स्टफ, देन आई कुक विद ऑफ कोर्स स्टाइल लिस्टिंग्स, और रात को 2-3 बजे तक ये करके और मे बी 1 बजे के आसपास देन वी स्टार्ट वॉचिंग अ मूवी और वी प्ले मॉडल कॉम्बैट और क्रिकेट एंड ऑल दैट ऑन आवर एक्सबॉक्स। सो 3 से 4 घंटे का स्लीपिंग टाइम होता है। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ट्विटर एंड यूट्यूब फॉर अस। सो मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, मेरी सजेशन यही रहेगी आपको दैट यू शुड स्टे एक्टिव एंड यू शुड कीप ऑन वर्किंग। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल की टेक्स्ट भी आई थी, आपको पता होगा, माय डॉग इज़ नॉट वेल। अजय के अपने एग्जाम्स वगैरह होते हैं, बट हमारा कभी स्केड्यूल हम हैम्पर नहीं करने देते। हमने एक प्लान बना रखा कि टेक्स्ट 100 तक जाएगा 31 दिसंबर तक, तो उसके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी करके हम करते ही करते हैं न्यूज अपलोड आपके लिए। सो जहाँ तक बात है मोटिवेशन लेने की, आप प्लीज यू कैन गेट मोटिवेटेड बिकॉज वी ऑल वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक अग्रवाल की तरफ से। उन्होंने पूछा, फ्रॉम द स्मार्टफोन यू हैव यूज्ड हैड ए चांस टू रिव्यू, व्हिच वन वुड यू रिकमेंड बेस्ड ऑन द प्राइस सेगमेंट्स 5 to 10K, 10 to 20K, 20 to 30K एंड 30K एंड अबव। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट ग्रामर, बहुत अच्छा लगा आपका वो ट्वीट देख के। अ लॉट ऑफ पीपल डू अ लॉट ऑफ टाइपोज ऑन ट्विटर एंड बहुत अच्छी ग्रामर लिखी आपने। 5 to 10K में प्रतीक, मैं सजेस्ट करूंगा आपको रेडमी नोट 8 या रियलमी 5s। उसमें भी रियलमी 5s थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। आगे 10 to 20K अगर आप पूछेंगे तो आई सजेस्ट रियलमी XT। रियलमी XT इज़ अ गुड फ़ोन। मैंने हर बार जब भी इसका रिव्यू भी किया, जब भी बात की, मैंने ये कहा कि इनिशियली आई डिड नॉट लाइक रियलमी XT बट ग्रेजुअली इट ग्रोज ऑन यू। सो रियलमी XT। 20 to 30K में ईदर गो फॉर द रेडमी K20 Pro और यू कैन इवन ट्राई द रियलमी X2 Pro, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्मार्टफोन। 30K एंड अबव थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे फ्लैगशिप जोन आना शुरू हो जाता है। वन प्लस के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं वन प्लस डिवाइसेज आर गुड, पर्सनली मेरे को इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगते वन प्लस की डिवाइसेज। स्टॉक एंड्रॉइड इज नॉट माई टाइप। सो अबव 30K मैं आपको रिकमेंड करूँगा Huawei P30 Pro। ये मेरे हिसाब से 2019 का इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स दैट आई हैव टेस्टेड। सीरियसली आई हैव टेस्टेड अ लॉट ऑफ फोन्स, P30 Pro इज द वन आई विल ऑलवेज रिकमेंड। एंड इसका प्राइस कट वगैरह भी आ गया है, सो मे बी अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं P30 Pro आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद आमिर की तरफ से। उन्होंने पूछा है प्लीज पिक माई, पता नहीं क्या पिक माई, चलो क्वेश्चन ही बोल रहे होंगे, उन्होंने बोला पिक कर सकते हैं। इज 90Hz डिस्प्ले सपोर्ट 90 FPS इन PUBG एंड शुड आई वेट फॉर Realme X50 Pro और आई बाय X2 Pro प्लीज रिप्लाई। ओके, मैं आंसर देता हूँ। X2 Pro के लिए Realme X50 में टाइम लगेगा इंडिया में आने में, एंड उसके साथ ही साथ हो सकता है हमें वो सारी स्पेसिफिकेशंस ना देखने को मिले जो Realme X2 Pro में है, और प्राइस का भी थोड़ा आपको पता है ये इशू हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से आप Realme X2 Pro ले सकते हैं, इट्स अ सेफ डिवाइस। और जहाँ तक गेमिंग की बात है, आई विल गिव इट टू द एक्सपर्ट, मेरे को इतना इसके बारे में नहीं पता रहता है। इन्होंने पूछा कि 90Hz डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं कि 90 FPS इन PUBG। ये दोनों में की अलग अलग एक टर्म है। 90 FPS जो वो एक ग्राफिक्स कार्ड जो हमारा जो लैपटॉप में जो उस पर डिपेंड करते हैं कि जो ग्राफिक्स है परफॉर्मेंस है, और जो 90Hz जो हमारा डिस्प्ले होता है वो एक रिफ्रेश रेट हो गया और वो फ्रेम्स पर सेकंड है। तो मतलब कि इसमें तो ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब कि कंफर्म ही नहीं होता कि 90Hz में हमें 90 FPS देखने को मिलेगा, या तो 60 होता है या 120 FPS होता है, मतलब स्टैंडर्ड की बात देखें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर आपका मोबाइल 90Hz दे रहा है कि रिफ्रेश रेट है तो फ्लैगशिप होगा, फ्लैगशिप है तो वो फ्रेम्स भी अच्छे देगा ही देगा। तो मैं कि नॉर्मल सी बात है कि 60 तो आना है ये पक्का, 90 का मैं कंफर्म नहीं है। अभी तक मैंने Realme X2 Pro जैसे 90Hz तो मैंने इसमें कोई PUBG अभी तक खेल के नहीं देखा है, तो ट्राई करते हैं, अगर मिलता है तो पक्का से बता देंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्रा की तरफ से। उन्होंने पूछा विच एप्स एंड वेबसाइट डू यू हैव इन योर फोन। अच्छा, वेबसाइट तो सारी ही होती हैं यार, गूगल क्रोम पड़ा हुआ है तो सब कुछ का एक्सेस है। जहाँ तक ऐप्स की बात है, यूजली मेरे पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्रोम, फेसबुक, पेटीएम, वॉली ऐप है जिससे मैं वॉलपेपर डाउनलोड करता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम पड़ी हुई है, गूगल पे, इंटरनेट ब्राउजर, वी चैट, टर्बो VPN, हाउ टू सी डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेजेस, स्लैक, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, टास्क, एंड्रॉयड अपडेटेड मेरी अपनी वेबसाइट की ऐप है, फोटो ट्रांसलेटर, WPS ऑफिस, एडसेंस, Amazon शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, UC ब्राउजर, थिंक म्यूजिक, शेयर इट, स्पॉटिफाई, रेसो, एक्शन लॉन्चर, PUBG मोबाइल, मीराकास्ट, Google होम, QR स्कैनर, Wear OS, फेसर, Xbox ऐप, ट्रू कॉलर, because of people, MobiQuick and some word to PDF converter. So these are the basic apps which I use and this is my primary device. So इसमें बहुत ज़्यादा apps हैं. Otherwise अगर कोई testing के लिए device हो उसमें Twitter, Instagram and alongside that maybe कई बार WhatsApp चला दिया. Mostly games वगैरह ही मैं उसमें चलाता हूँ. वेबसाइट सारी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम दुबे की तरफ से. उन्होंने पूछा ब्रदर व्हिच यूआई यू लाइक मोस्ट बिटवीन रियलमी यूआई बेस्ड ऑन कलरओएस 7 है या फिर एमआईयूआई 11. रियलमी यूआई जो हमारा कस्टम ओएस कह लो, कलरओएस कह लो, रियलमी यूआई कह लो, आई लाइक दैट मोर नाउ. अब बिकॉज कुछ पिछले एक दो महीने से मैं रियलमी के स्मार्टफोन्स को यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ. सो K20 भी मैंने स्विच किया थोड़ा टाइम पहले एंड उसका जो इवन टास्क स्विचर है या रीसेंट ऐप्स वाला होता है उसमें आप ओपन करके क्लोज नहीं, उसका एक इंटरफेस ही अलग है. सो MIUI इज़ ऑलवेज फन, इट्स ऑलवेज फुल ऑफ फीचर्स एंड ऑल दैट. बट अगर आपको एक ईजी सा इंटरफेस चाहिए तो रियलमी के जो स्किन है दैट इज़ वे मोर ऑप्टिमाइज्ड इन माई ओपिनियन. MIUI थोड़ा सा हैवी हो जाता है. सो या रियलमी UI या कलरओएस. And the next question is from Mohammad Sajid. उन्होंने पूछा which will be the first phone in India to be launched with SoC 865 and when? Okay. अगर तो Mi 10 सीरीज आ गई इंडिया में तो Mi 10 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज 865 कंफर्म्ड है. अदरवाइज हमें OnePlus 8 सीरीज में तो 865 मिलना ही मिलना है. मेरे हिसाब से सबसे पहला S11 सीरीज का स्मार्टफोन हो सकता है बिकॉज वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम किंग सुख. उन्होंने पूछा है वेयर हाउ एंड व्हेन यू प्रपोज स्टफ लिस्टिंग्स. How many times पूछना चाहिए था आपको, मेरे को खुद नहीं याद how many times I did that. I did it in the university itself. Again, HR people cannot do anything now. I did it in the university last year, I remember. So she left the job. Initially, she was teaching here in my university last year, and after 6 months, she left the job. फिर we had a certain period wherein we both were not together, and then I again approached her Facebook वगैरह से जैसे and I kind of requested her to join the university back. She did join it back only for 3 or 4 months and we both left the job together. So it has been around 1.5 years now. और next question है सीमा रावत की तरफ से. उन्होंने पूछा YouTube चैनल स्टार्ट करने के टाइम कितनी प्रॉब्लम्स आई थी एंड क्या माइंड में चल रहा था कि व्यूज एंड सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज होंगे एंड 2020 में कौन कौन सी वीडियोस बनाने का प्लान है. अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीमा. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था Tech Stuff 1 आया था. अगर आप देखोगे उसको तो हमें खुद हंसी आती है उसको देख के. मैं थोड़ा सा डरता था स्क्रीन के आगे आने से एंड हमने यहाँ तक वीडियो दिखा रहे थे हम, मेरी दाढ़ी दिखती थी थोड़ी सी, यहाँ तक वीडियो हमारी कुछ 10 वीडियोस तक चलती रही. एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू कॉल मी कि भाई आ जाओ सर वीडियो बना लेते हैं. तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि वीडियो क्या बनानी है, मैं वॉइस ओवर दे देता हूँ, तो ट्विटर के फीड को स्क्रॉल कर करके वीडियो बना ले, चल जाएगी. वो भी है मगी चैनल पे, वो वाली भी स्टार्टिंग में देखना. सो बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी से आता था थका हुआ एंड बहुत हालत खराब होती थी उस टाइम पे. तो आई स्टिल रिमेंबर दिक्कत बहुत आई. अभी भी हमारा सेटअप वगैरह तो कुछ भी नहीं है अच्छे से, हमने स्टूडियो वगैरह तो अभी चल रहा है प्रिपरेशन उसका. सो इनिशियली सबसे बड़ी दिक्कत ये थी बिकॉज ये मेरे को बोलता रहता था शक्ल दिखाओ शक्ल दिखाओ. लोग भी कह रहे थे सर क्या कर रहे हो आप, गर्दन दिखा रही है. तो मैं मान नहीं रहा था, आई वॉज हेलबेंट कि नहीं ये स्टाइल चलेगा, तो वो नहीं चल रहा था अपेरेंटली. एंड इवेंचुअली व्हाट ही डिड वाज इन्होंने एक वीडियो में पूरा फेस कैप्चर कर लिया, मेरे को बताया नहीं और अपलोड कर दी. फिर उसके बाद मैं कहा चलो अब हो ही गया, तो गंदी शक्ल देख ली है लोगों ने, अब चलो चलता रहेगा. सो इनिशियली वो सबसे बड़ी दिक्कत थी. माइक भी नहीं था हमारे पास एंड लो साउंड क्वालिटी वगैरह बहुत लोग कंप्लेन करते थे. मुझे पता नहीं चलता, मैं कहा यार मेरे को तो सुनाई दे रही है, लोग क्यों बोले जा रहे हैं. तो वो धीरे धीरे टैकल किया हमने, माइक वगैरह परचेज किया थोड़ा बहुत आगे, कैमरास वगैरह अच्छे लाएंगे. एंड 2020 में यही है, वीडियोस अलग अलग हम करेंगे, बहुत सारी कैटेगरीज हमने सोच रखी है. ओनली वी आर वेटिंग फॉर 2020 टू स्टार्ट. कैटेगरीज में हमारी ब्लॉगिंग वीडियोस की बात है वो चल रही है, उसके साथ कंपैरिजंस, कैमरा कंपैरिजंस, गेमिंग कंपैरिजंस, वो सारी वीडियोस भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी. उसके साथ ही साथ स्मार्टफोन्स के अलावा भी हम अपना होराइजन बढ़ाने की सोच रहे हैं. लैपटॉप्स, टैबलेट्स, गेमिंग स्मार्टफोन्स या जितनी भी चीज़ें जिनको हम ऑलरेडी कवर नहीं कर रहे हैं, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर ऑल ऑफ दैट इन 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन है समर मोहन की तरफ से. उन्होंने पूछा है रेडमी K30 कब आएगा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फोन अंडर 20 के एनी रिकमेंडेशंस. ओके, रेडमी K30 मेरे हिसाब से फरवरी मार्च में आ जाना चाहिए इंडिया में. और वीडियो रिकॉर्डिंग की जहाँ तक बात है तो आप अजय कुड आंसर यू बेटर है. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो अगर वो रेंज पे भी डिपेंड करते हैं, उन्होंने अच्छा 20K तो 20K के लिए तो आपके पास है Realme XT भी है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन है. वी हैव डन दैट. हाँ, और अगर उससे भी बहुत अच्छे वाला स्टेबलाइजेशन चाहिए तो मैं बोलूँगा कि Samsung M30s बिकॉज मतलब 10 to 20K में सारे मोबाइल्स को टेस्ट करा ऑलमोस्ट, तो जो वीडियो स्टेबलाइजेशन जो मिला है मुझे तो M30s में मिला है, वो इस रेंज में किसी मोबाइल में नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे एकदम स्टेबलाइज्ड वीडियो चाहिए शूटिंग करते हुए तो M30s, वरना Realme XT है ही है। और कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ Redmi Note 8 Pro भी है तो Realme XT क्यों बोल रहे हो, बट Redmi Note 8 Pro में जो देखा है मतलब कि स्टेबलाइजेशन जो है बहुत ही कम है इन कम्पेयर टू Realme XT, एंड कलर ग्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मतलब वो भी फिर अपने पर प्रेफरेंस आते हैं कि हाँ हमें कलर पॉप आउट ज़्यादा चाहिए है या ओरिजिनल कलर चाहिए। अगर कलर क्वालिटी कुछ ज़्यादा चाहिए तो Realme XT, अगर नॉर्मल चाहिए तो Redmi Note 8 Pro, और स्टेबलाइजेशन चाहिए तो M30s। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है रौनक की तरफ से। Redmi Note 9 प्रोसेसर एंड विल पिक्सल 4A कमिंग टू इंडिया। Redmi Note 9 का मैंने आपको आज के टेक्स्ट में भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी ये बोला Redmi Note 9 हो सकता है आए ही ना और G सीरीज से रिप्लेस कर जाए। अभी कंफर्मेशन मैं आपको डेफिनेटली जल्दी ही दे दूंगा। जहाँ तक पिक्सल 4A की बात है, हो सकता है वो आ जाए, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी गूगल पिक्सल 4 सीरीज में थी जो कि इंडिया में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से थोड़ी बैंड थी या कुछ भी था, वो 4A में हमें शायद ना देखने को मिले, बिकॉज थोड़ा सा बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होते हैं ये। अलॉन्ग साइड दैट जब गूगल पिक्सल 4 लॉन्च हुआ था तो आई रीच्ड आउट टू देम कि भाई लॉन्च इवेंट में मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता, तो उन्होंने यही कहा था कि नेक्स्ट ईयर हमारे जो लॉन्च इवेंट है उसमें डेफिनेटली वील इन्वाइट यू। इस साल हमारा कोई इवेंट प्लान ही नहीं है इंडिया में, सो अगर उनका अभी नेक्स्ट ईयर उन्होंने जो मेरे को टाइम फ्रेम दिया था उस हिसाब से सेट बैठता है, गूगल का जो आईओ डेवलपर कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद जैसे ही इंडिया में गूगल पिक्सल लॉन्च होने का स्केड्यूल जो होता है उसी टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पिक्सल 4A सीरीज के आने का। बिकॉज अलॉन्ग साइड दैट गूगल ने एक और चीज़ ऑलरेडी कंफर्म कर रखी है कि इंडिया में अच्छा खासा मार्केट है गूगल पिक्सल 3A और 3A XL का, सो 4A और 4A XL का भी इंडिया में आना ऑलमोस्ट लेके चलिए कंफर्म्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम अग्रवाल की तरफ से। उन्होंने पूछा कंपनीज आर कंफ्यूजिंग अस विद मोर लॉन्चेस एंड इनडायरेक्टली फोर्सेस पीपल टू बाय न्यू फोन्स क्वेश्चन मार्क। कंफ्यूजन तो है, डेफिनेटली है। रियलमी के स्मार्टफोन्स बहुत सारे लॉन्च हुए और सैमसंग तो A31, A21, M31 बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स निकाल देता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, दिस इज द करंट मार्केट ट्रेंड। अगर एक कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो बाकी जो कंपनीज है वो करती रहेंगी एंड अल्टीमेटली वो कंपनी पीछे रह जाएगी। सो ये तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि भाई आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं, थैंक्स टू यूट्यूबर्स। अगेन अभी हमने स्टार्ट ही किया है बट देयर आर एस्टेब्लिश्ड पीपल जो आपको एक अनबायस्ड रिव्यू देते हैं। टेक्नो रोहेज की आप बात करो, मैं ऑनेस्टली आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द पर्सन, वो हमेशा आपको एक अनबायस्ड रिव्यू ही देने की ट्राई करते हैं। और अब जो भी नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं लीक्स वगैरह हम लेके आएंगे एंड आप बस ये लेके चलिए कि आपको एक फ़ोन पकड़ना है जो कि आपको पसंद आए, उसी को परचेज कीजिए अगर उसमें ज़्यादा फ्लॉज वगैरह नहीं है। दिस इज़ ऑल यू कैन डू। आप स्मार्टफोन्स के लॉन्च की स्पीड को नहीं रोक सकते, अब ये तो ऐसा ही होगा 2020 में और ये डबल ट्रिपल स्पीड होने वाली है। रियलमी ने ऑलरेडी 10 स्मार्टफोन्स का मॉडल नंबर मेरे को ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो 10 स्मार्टफोन्स आप फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 में लेके चलिए रियलमी के आने वाले हैं, तो 10 स्मार्टफोन्स बहुत होते हैं कंपनी की तरफ से, सो वी कैन नॉट हेल्प मच हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्या रंजन की तरफ से। उन्होंने पूछा Realme XT, Realme X2, Redmi Note 8 Pro, which phone are better for gaming and camera? Realme X2 और Redmi Note 8 Pro ये दोनों गेमिंग के लिए ऑलमोस्ट कंपेरेबल स्मार्टफोन्स हैं, दोनों अच्छे हैं। X2 में हमें 730G चिपसेट देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा गेमिंग सेंट्रिक चिपसेट है एंड जो हमारा Redmi Note 8 Pro उसमें G90T चिपसेट मिलता है विच अगेन इज अ गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन। Redmi Note 8 Pro थोड़ा सा यहाँ पे लीड ले सकता है बिकॉज ऑफ द गिमिकी फीचर्स जो उन्होंने ऑलरेडी कहे हैं कि गेमिंग के लिए ही है ये स्मार्टफोन, जबकि Realme X2 को उन्होंने एक ओवरऑल पैकेज के लिए कहा है कि भाई इसमें कैमराज वगैरह अच्छे हैं, सब कुछ है ये वो है। सो Redmi Note 8 Pro को थोड़ा सा एज यहाँ पे मिल सकता है, बट ऑन पेपर अगर परफॉर्मेंस कहोगे सो Realme X2 एंड Redmi Note 8 Pro आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल मेरे हिसाब से। स्टिल आई सजेस्ट दैट यू गो फॉर द Realme X2 बिकॉज अगेन एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, सो गेमिंग में भी आपको एक वाइब्रेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सो इट्स ऑल द वे बेटर, द एक्सपीरियंस इज ऑल द वे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्या की तरफ से। उन्होंने पूछा व्हाई डू यू हेट आईफोन सो मच व्हाइल अदर पीपल मोस्टली ड्रीम ऑफ ओनिंग एन आईफोन, व्हाट वाज योर लव स्टोरी, फुल स्टोरी आई मीन, वुड बी हैप्पी इफ यू टेक माय क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टोक योर क्वेश्चन। आई डोंट हेट आईफोन्स, ऐसा कुछ नहीं है कि यार कोई नफरत है यार, मतलब ठीक है स्मार्टफोन इज अ स्मार्टफोन नेवरदलेस, बट customizations are very few in Apple devices and that's something which I don't like. कई बार ऐसे updates and I don't like the hype which iPhones get because sometimes I feel that it's unnecessary. लोग लाइन लगा के खड़े हैं, नया iPhone आने वाला तो we'll purchase that. And उसके साथ में कई बार ऐसे updates आते हैं. Android के updates जो होते हैं उसमें आपको एक substantial set of new features you get. iPhone के update आते हैं. I still remember एक बार ये एक update आया था. It was a minor upgrade but still उसमें emojis नए आए थे. कुछ 10-15 नए emojis आए थे and people were oh. So finally we got these emojis. So वो मेरे को समझ नहीं आया कभी भी यार कि आप अपडेट कर रहे हो अपने फ़ोन को, आप एप्पल इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है और आप अपडेट रोल आउट कर रहे हो और आपने इमोजीज को पुश किया, साथ में बग फिक्सेस कर दिया और लोग कह रहे हैं वाह अपडेट आ गया, जबकि यहाँ पे आपके पास हज़ारों ऐप्स हैं इमोजीज वाली, आप कस्टम इमोजीज सेंड कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते. गूगल प्ले स्टोर हैज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी. सो आईफोन का जो इकोसिस्टम है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है व्हेन कंपेयर्ड टू यू नो द एंड्रॉयड इकोसिस्टम. दैट्स द ओनली रीजन आई डोंट लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स. आई डोंट हेट देम बट आई डोंट लाइक देम ईदर. Coming to the next question, that is my love story. Most of you know it already. We both were, you know, working together in an organization, and you know, that's it. Things happen. That's the entire story. और आज के संडे सब का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है अनंत रावत की तरफ से, वो रैपिड फायर्स. तो I love rapid fires. Please ask more rapid fire questions from next year. आपकी बार एक ही आया बस. तो रैपिड फायर्स है पिज्जा वर्सेस पॉपकॉर्न. पिज्जा. मक्की की रोटी सरसों का साग वर्सेस मटर पनीर. मक्की की रोटी सरसों का साग. पंजाबी. सिंगल वर्सेस रिलेशनशिप. रिलेशनशिप ऑफ कोर्स. विंटर सीजन समर सीजन. समर सीजन यार कम ऑन, इतना मोटा मैं हूं नहीं, इतना ही है नहीं, स्वेटर 5-5 पहन रखी. समर समर समर. आईफोन वर्सेस आईपैड. आईपैड आईपैड. बाइक राइड वर्सेस कार राइड. कार राइड. एयरटेल वर्सेस जियो. नन नन. आई हैव बोथ एयरटेल एंड जियो एंड यहां पे दोनों की सेल्युलर क्वालिटी बेकार आ रहा है. एयरसेल. तो काटो बस हो गया. थैंक यू गाइज. थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दीज मेनी क्वेश्चंस. वी पिक 25 क्वेश्चंस. बाकी के जो क्वेश्चन नहीं पिक हो पाए प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी बैटरी खत्म होने वाली है देख रहा हूँ मैं, एंड वी हैव चार्ज्ड इट 2 times बट ये वीडियो आई गेस 30 मिनट्स के आसपास की हो जाएगी. सो वी ट्राई टू पिक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. जिनके क्वेश्चंस नहीं भी पिक हुए, अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, योर फैमिली एंड योर नियर्स एंड डियर्स. Those of you जिनके लिए मैंने shout out किया था, those of you who are single, please get into relationships. New year पे single मत रहना. It doesn't look good. It doesn't feel good. I've been there. And on that note, this is the last episode of 2019. Sunday stuff की बात कर रहे हैं. Tech stuff आपके बाद 2-3 और आने वाले हैं अभी. And अगले साल के लिए God bless you all. And हमें भी support कीजिए. We'll try to provide you with as much intel as possible as we always do. I hope you like the video. If you did like the video, don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. God bless you all. Peace.